बस चलो कर लेंगे। क्वाड्रेंट का बनता है वही, जब 90 डिग्री एंगल हो, इक्विलेटरल के केस में 60 डिग्री एंगल हो। हाँ जी, आपके पास यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, इसका एरिया गिवन है। यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं ऐसे, ये एरिया फाइंड करना है लेफ्ट आउट। ठीक है, क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है। अब ये पता है हमें कि ये जो रेडियस है ना, दैट इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब जो सेक्टर या सर्कल का रेडियस है, ये रेडियस जो है ठीक इसके इक्वल है, हाफ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। रेडियस आपको तब मिलेगा जब आप इसकी साइड फाइंड करोगे। अगर साइड आपके पास होगी तभी आप उसका हाफ करोगे, और साइड के लिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल, हिमांशु बोलो क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया? ये गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? साकेत, तो बताओ पहले, पता है फिर बोले क्यों नहीं? √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। डेसिमल मैंने ठीक डाला है? दोनों में देख लेना डेसिमल। अब ये देखो, अब आपने साइड फाइंड करनी है। अगर आपको यहाँ से साइड मिल जाएगी, आप उसका हाफ कर दोगे, रेडियस ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। √3 की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? 1/4। साइड स्क्वायर 4 डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाके, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके, मतलब देखा जाए तो ये पूरी चीज इधर आके रह चुकी होता है। डिवाइड का मतलब यही होता है, 17320.5/7.1.73205 × 4। ये क्लियर है? ये डिवाइड थी ना, इधर आके रेसिप्रोकल कर दिया। डेसिमल रिमूव करो 10, इसका डेसिमल रिमूव करो, कितनी जीरोस आएंगी? 5। 10 कैंसिल, ये पूरी टर्म कैंसिल, सेम है ना? क्या आ गया? 40,000। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000। साइड कितनी आ गई? प्लस माइनस 200। साइड कांट बी नेगेटिव, दिस इंप्लाइज साइड इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। साइड आ गई, अगर साइड आ गई तो क्या आ जाएगा? रेडियस। रेडियस इज हाफ ऑफ द साइड, कितना आएगा रेडियस? 100 सेंटीमीटर। रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड आ गई, साइड से रेडियस आ गया। अब देखो करना क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया माइनस करना है। जयादित्य, एरिया ऑफ सेक्टर बोलो क्या होता है? सेक्टर दोबारा बोलो, θ/360। अर्पित सीधे बैठो पहले। θ/360 × π r² दिस इज एरिया ऑफ 1 सेक्टर, यहां से आ जाएगा, उसका ट्रिपल कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा। जो एरिया आएगा उसको क्या करेंगे, किसमें से? ट्रायंगल, और ट्रायंगल के एरिया तो ऑलरेडी गिवन है, ये रहा। इस ट्रायंगल के एरिया में से जो एरिया गिवन है, इसमें से 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल ले, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए रेडियस चाहिए था, दैट वी हैव ऑलरेडी गॉट। नाउ एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स में इकट्ठे ही लिख रही हूँ, एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज इक्वल टू 3 × θ/360 π r² 3 सेम θ इज 60, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, तो 60/360 × π, π इज 3.14 इंटू रेडियस, दैट इज 100 × 100। क्लियर? इसकी कटिंग कर लो, 120,
की कटिंग कर लो, टू डेसिमल हटा के 100, 100 कैंसिल, 3 1 4 0 0 अपॉन 2, 3 1 4 0 0 अपॉन 2 दैट इज 1 5 7 0 0 सेंटीमीटर एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स आ गया, 157 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये थ्री सेक्टर्स का एरिया आ गया। अब फाइंड क्या करना है, शेडेड पोर्शन। सहर्ष बोलो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ थ्री सेक्टर, हाँ जी एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ थ्री सेक्टर, 1732 0.5 में से इसे माइनस करेंगे, राइट डाउन 1620.5, राइट डाउन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 1732 0.5 माइनस 1570 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। सब रीड करो क्वेश्चन, किसी की भी टर्न आ सकती है, जल्दी बोलो, रीड कर लो एक बार। अर्पित आप बताओ कैसे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है ये बताओ पहले तो। क्या आएगी बता दो तो? बोलो बोलो। हाँ जी फिर, हाँ जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, आपके पास एक स्पेयर ये हैंकी दे रखा है, इसमें यहाँ 9 सर्कल्स है, मतलब 3 3 करके इस तरह से सर्कल दिए हैं, इसमें डिजाइन है, इसका जो रेडियस है ना, मुंह तोड़वा लेगा मुंह बंद कर, रेडियस 7 डायमीटर 40, साइड आ गई, स्फीयर का एरिया फाइंड करेंगे, बोलो प्रभु। 42 × 42 क्या आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड इनटू साइड, 42 × 42 क्या आएगा? 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। आपने जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, रिमेनिंग मतलब ये जो यहाँ पे एम्प्टी पोर्शन दिखाई दे रहा है ये बीच बीच में, ये फाइंड करना, ये वाला, ठीक है।
If you subtract the area of 9 circles from the square, then you will get the area of remaining circle. Now get the area of one circle. Diksha bolo, area of circle. Area of 9 circles, 9 into pi r square. Pi ki value, radius 7. रेडियस ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं, 7 है. मल्टीप्लाई कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ व्हाट वी आर फाइंडिंग, रिमेनिंग पोर्शन शेडेड नहीं है, डिजाइन अंदर है बाकी एम्प्टी है. एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन वन सेवन सिक्स फोर माइनस वन थ्री 8 6 378. नहीं, एक मिनट, वो ठीक नहीं लिखा. पाई आर स्क्वायर है तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? अभी बताया 1/4 होता है, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर. रेडियस गिवन है क्वाड्रेंट का, इसको बोलने दो गिवन है. चलो लिखो फिर, गिवन है, बताओ क्या है, आप बताओ. हाँ जी, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. रेडियस गिवन है, क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लो. क्या होता है जयादित्य फॉर्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का? 1/4 पाई आर स्क्वायर लगाओ फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करो सारे. चांद इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्या करना है, बस ये बता दो माइनस करना है कि प्लस करना है, किसमें से किसको, बस इतना ही बता दो, बहुत है. क्वाड्रेंट का नेम है ओ ए सी बी, क्वाड्रेंट का नेम है ओ ए सी बी. क्या करना है, माइनस किसको करना है ये बताओ. शेडेड पोर्शन तो फाइंड करना है, उसको क्यों माइनस करेंगे, वही तो फाइंड करना है. जयादित्य क्या हुआ है, हंसी क्यों आ रही है, आपकी बारी आएगी ऐसी. क्वाड्रेंट तो आपने बता दिया,
माइनस किसको करना है मैं ये पूछ रही हूँ, शेडेड पोर्शन फाइंड है जो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सिंपल ट्रायंगल का एरिया 1/2 बी इंटू एच, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला कब लगता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल में, अदरवाइज नहीं लगता। बात समझ आई? तो इस क्वेश्चन में आपके पास एक क्वाड्रेंट गिवन है, यहाँ ये पोर्शन गिवन है, आपने ये फाइंड करना। अगर आप क्वाड्रेंट में से ये ट्रायंगल रिमूव कर दो तो ये बच जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा हाफ इंटू बेस इंटू, ये क्या है रेडियस, और ये क्या है, ये गिवन है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा यूजिंग दिस रेडियस 3.5, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ रहा है 1/4 पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 का मतलब क्या है 7/2 इंटू, ठीक है, क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसी छोड़ दो बाद में देख लेते, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 3.5, हाइट इज 2, दैट इज 3.5, 3.5 का मतलब क्या है 7/2 एरिया ऑफ, ठीक है कोई बात नहीं कर लो, क्या आ रहा है बोलो 9.625, यहाँ पे 3.5 रहने दो, चलो करो माइनस, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, बस ऐसे लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 9.625 माइनस 3.5, 6.7 2 21 22 34 43 3 7, देखो कितने रोल नंबर 7 ही 7 स्टूडेंट्स है, चेक करो, ठीक है 31 और 7 30 9 मेरी बला से मुझे तो करना, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा क्वेश्चन है 14, जो क्वेश्चन नंबर 14 है मैंने आपको होमवर्क में दिया था, अगर आपको याद हो तो सेम है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है मैंने होमवर्क में दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही है, क्वाड्रेंट बन रहा है, क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे ट्रायंगल था, अब वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है तो क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को माइनस करें, देखो इधर O A P B C Q, ये फाइंड करना है शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपके पास गिवन क्या है, O A इज 20, ये 20 है, ये 20 क्या दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड दी हुई है तो एरिया आ जाएगा। अब आप एरिया ऑफ स्क्वायर को फाइंड कर सकते हो, दैट इज 400, लिखो साइड इज इक्वल टू 20, साइड 20 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर
साइड इनटू साइड दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, अब आपने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मिष्टी बोलो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट रेडियस कितना है, रेडियस, रेडियस गिवन नहीं है, ठीक है। रेडियस इसमें कौन सा है क्वाड्रेंट का, या तो ओ पी रेडियस है, या ओ क्यू रेडियस है, या ओ पी रेडियस। आप ओ पी नहीं निकाल सकते, ओ क्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन ओ बी तो निकाल सकते हो। ओ बी क्या है, दैट इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ओ बी इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर विच इज सेम एज द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। ये साइड 20 है, ये वाली साइड भी 20 है, ये एंगल 90 है, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। कैन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर टू गेट द वैल्यू ऑफ द डायगोनल, एंड दैट डायगोनल विल बी सेम एज द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, गॉट इट। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस स्मॉल ट्रायंगल टू गेट द डायगोनल, राइट डाउन। Each angle of a square is 90 degree. Each angle of a square is 90 degree. This implies angle A is 90. This implies OAB is a right angle triangle. ठीक है? By Pythagoras theorem, H square is equal to P square plus B square. गरिमा, इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस और हाइपोटेन्यूज, ओ बी। ओ बी वी आर फाइंडिंग, ये 20 है, ये भी 20 है, ठीक है। 400 प्लस 400 दैट इज OB is equal to 800 OB square. आपको एक बात बताएं, अगर किसी स्क्वायर की साइड ए होती है ना, तो उसका डायगोनल हमेशा क्या होता है, फॉर्मूला ए रूट टू, रूट टू ए या ए रूट टू। जैसे साइड कितनी है 20 20, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए रूट टू, ए का मतलब हो गया 20 रूट। अगर साइड ऑफ द स्क्वायर होती 40, तो जो डायगोनल है 40 रूट, 10 होती तो 10 लिस्ट बनाती हूं मैं, कल कुछ है ना कि अगर साइड ए है, सारी साइड सेम है, तो डायगोनल की जो लेंथ होगी जो है बीच में ए रूट, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो विदाउट डूइंग दिस, ठीक है। तो ए रूट टू होगा इसका आंसर, तो 20 रूट टू। मैं सॉल्व नहीं कर रही, मुझे पता यही आना, ये यही होगा, ठीक है। आप भी लिख सकते हैं, क्लियर है, डायगोनल आ गया, एंड दिस डायगोनल इज सेम एज द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। नाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, चांद क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस कितना है, क्वेश्चन ही रीड करना, अभी बताया, इतना बड़ा लेक्चर दिया है इसको, यही है जो डायगोनल निकाला है ना, इसलिए निकाला है क्योंकि रेडियस निकाला, और ये जो डायगोनल आया यही रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है, राइट। डाउन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वन बाय फोर पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई की वैल्यू आई थिंक गिवन है, 3.14, रेडियस 20 रूट टू, ट्वेंटी रूट टू सिक्स, पूरा सॉल्व करके ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट।
अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया कितना था, कितना आएगा, 628 माइनस 400, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन शेडेड रीजन इज इक्वल टू 628 माइनस 400 दैट इज 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी दे चुके हैं आपको होमवर्क में, वो कर लेना, मुझे पक्का उम्मीद है आपने नहीं किया होगा, ठीक है, मुझे श्योरिटी है इस बात की, आप बहुत अच्छे हो सारे, अच्छा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इस चीज का लॉ सिर्फ आपको पता चलेगा तब जब सब्जेक्टिव वाला होगा ना, अभी तो चलो एमसीक्यूज है, लेकिन एमसीक्यूज भी ये मत समझना कि सीधे सीधे आ जाएंगे और आप ऐसे टिक कर दो, सॉल्व किए बिना कैसे करोगे, कुछ आता होगा तभी टिक करोगे, पर एमसीक्यूज में ज्यादा मिस्टेक होती है, जब आप सब्जेक्टिव में फोर में से कुछ लिख देते हो तो चलो आंसर नहीं आया तो वन मार्क कट गया बाकी मिल गए, इसमें तो डायरेक्ट ही जाएंगे, ठीक है, इसलिए जरा देखना, हम भी कोशिश करेंगे अच्छे से पेपर डालें, ठीक है, ताकि देखें आपका क्या करना है, चलो हाँ जी एक मिनट रिकॉर्डिंग क्या, देखो इस फिगर में देखो जरा तीन चीजें बन रही है, एक पहले ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का जो ये हाइपोटेन्यूज है ना इसी पर लेके एक सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये जो दोनों फिगर है ना पहले इन दोनों का एरिया प्लस कर लेना है, ट्रायंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया, पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा, यहां पर बन रहा है क्वाड्रेंट, ठीक है, अगर आप इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड कर लो जो पहले बनी हुई थी इसको छोड़कर, इन दोनों को प्लस कर लो तो एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर आ जाएगा, पूरी फिगर जितनी भी बन रही है, उसके बाद यहाँ पे एक क्वाड्रेंट दे रखा है, ठीक है, अगर हम इस पूरी फिगर में से ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक इसे रिमूव कर दो तो ये पोर्शन का एरिया आ जाएगा, इसका मतलब क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया उसमें से माइनस करना है किसको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये पोर्शन आ जाएगा शेडेड जो आपने फाइंड किया, चलो क्लियर है, ये पोर्शन फाइंड करना, अब ये जो हमने बोला है ना ये सब हमने सॉल्व करना, ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, अब डिटेल्स गिवन देखो क्या है आपके पास, आपके पास गिवन है कि क्वाड्रेंट जो है ना उसका रेडियस 14 है, ये 14 है, हां जी अगर ये रेडियस 14 है ये भी 14 होगा क्योंकि क्वाड्रेंट तो ये पूरा ही है ये वाला, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ सकता है, कैसे आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, बोलो केशव रेडियस कितना है, रेडियस 14, राइट डाउन रेडियस 14 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई गिवन है, गिवन है या नहीं, नहीं गिवन, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया, हाँ जी ठीक है चलेगा, ठीक है फाइन, तो सब कुछ ही करना है ना, इसलिए ऐसे करो या वैसे करो, एक एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया, अब ये देखो इधर जो क्वाड्रेंट का रेडियस था वही ट्रायंगल का क्या बन रहा है, ये बेस और ये हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ सकता है, बेस हो जाएगा 14 हाइट हो जाएगी 14, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट 14 × 14 98 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, अब फाइंड करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल,
सेमी सर्कल के लिए रेडियस चाहिए, वो नहीं गिवन, क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, जैसे अभी किया था पिछले क्वेश्चन में। ये परपेंडिकुलर, ये बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, उसका वही क्या आ जाएगा, इसका डायमीटर, रेडियस निकालेंगे। कल कंप्लीट करेंगे, इतना कर लो सर।